हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली द हिंदू का पूरा पेपर बकायदे आपको समझाते हैं और उन चीज़ों पे गौर करते हैं दोस्तों जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जिसकी संभावनाएँ बनी रहती हैं। और दोस्तों कहने का मतलब यह कि पेपर एक्चुअल में पढ़ा कैसे जाता है। अब अगर आप एक पेपर को लेके हेडिंग बाई हेडिंग और नीचे का जितना पूरा है वो पढ़ते हैं तो दोस्तों उसमें आपका बहुत सारा समय खर्च होगा और जिसकी वजह से दोस्तों आपके जो अन्य विषय हैं उन पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों उतना ही पढ़िए जितनी आवश्यकता हो, ये नहीं कि अगर द हिंदू पेपर अगर आप पढ़ें सही से तो दोस्तों कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, इतना ही लेंदी और बड़ा होता है। तो दोस्तों हम वही चीज़ों को यहाँ पर कवर करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आवश्यक होते हैं, जो हमारे विचारधारा को इम्प्रूव कर सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बना सकें, वही हम बस ध्यान में रखते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और दोस्तों चलिए चलते हैं फिर आगे। जैसा कि आपको पता है, रेन थंडरस्टॉर्म लीव्स ओवर 50 डेड इन 4 स्टेट। तो दोस्तों पहले आप पेन और कॉपी अपने साथ रखा करिए, जिसकी वजह से कुछ ऐसे मीनिंग हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं उसके बारे में बता देंगे। थंडरस्टॉर्म मिस होता है दोस्तों आंधी और तूफान, लीव का मतलब विदाई होता है, प्रस्थान होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से बारिश के साथ आंधी तूफान का एक कहर कुछ दिन पहले आया है, 3-4 दिन पहले, जिसमें 4 राज्यों में अगर देखा जाए तो 50 से लोग मारे गए हैं और वहाँ पे कई सारी जो मुश्किलें हैं वो सामने आ गई हैं, और ज़्यादातर उन राज्यों में हुआ है जो दोस्तों जो तटवर्ती इलाके के थे। और दोस्तों जो मौसम विभाग है ये भी चेताया है कि 25 अप्रैल को इसका दोबारा आगमन हो सकता है, इसलिए आप लोग होशियार रहें, अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हों दोस्तों वो पहले से ही जुटा के रख लें, और जो भी आपकी फसल हो या फिर जो अन्य वस्तुएं हैं जो बाहर रखी गई हैं उनके बचाव के लिए कुछ अच्छे कार्य करें। और किसानों के लिए अलग से किया गया है कि जो भी उनकी फसलें अगर हो गई हैं तो उससे पहले ही उसको अपने खेत से काट उट के हटा लें, नहीं तो इसके भारी परिणाम हो सकते हैं। इसके बारे में चेताया गया है दोस्तों, बहुत ही भयंकर तूफान है जो भी बारिश के साथ है। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रियल नेशनल सिक्योरिटी इशूज राहुल। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटीज हमारे देश की है, सबसे जो पहली प्राथमिकता है NRC है, नेशनल रजिस्ट्रार काउंसिल है, जो हमारे देश के अंदर असम में घुसपैठिए हैं उनको हमारे देश से बाहर खदेड़ नहीं जब तक जाता तब तक हमारी नेशनल सिक्योरिटी सही नहीं हो सकती। और दूसरा मुद्दा है दोस्तों, जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे चाइना हुआ जो साम्राज्यवाद की नीति से पीड़ित है, उसके बाद है आपका पाकिस्तान जो बार बार टेरर फंडिंग करता है, टेरर स्पॉन्सर करता है चाइना की मदद से। तो दोस्तों ये एलिगेशंस मोदी जी का है, पर जो राहुल गांधी है उनका सीधे सीधे कहने का मतलब आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी और प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा जिसके खतरे में है दोस्तों वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। इनका कहने का मतलब अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर यूथ को उसके मन के हिसाब से एक उम्र में उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो दोस्तों उसका जो विचार है गलत दिशा की तरफ पोषित होने लगता है, जिससे समाज को खतरा पैदा हो जाता है। तो मैं और जब मेरी सरकार आएगी, वी आर फाइटिंग फॉर इंडियाज यूथ फार्मर्स स्मॉल ट्रेडर्स वुमेन एंड पुअर। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो हमारी फाइटिंग है, जो हमारा विकास होगा वो भारत के जो युवा हैं उनके लिए होगा, किसानों के लिए होगा, जो छोटे मध्यम वर्ग के ट्रेडर्स हैं और वुमेन सेफ्टी के बारे में, और गरीबों के लिए जो शोषित वंचित दलित हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए हम योजनाएं लेकर आएंगे और वो हमारा होगा नेशनल सिक्योरिटी इशूज। तो दोस्तों जैसा कि आपको अभी पता है, ये देशीय चित्र दिखाया है, फर्स्ट का जो फेज़ का जो चुनाव था, जो जैसा कि आपको पता है 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो फर्स्ट का हो गया है दोस्तों, सेकंड का हो रहा है। तो 95 लोकसभा सीट्स गो टू इन द पोल इन फेज़ टू, 95 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो लोकसभा सीट हैं वो फेज़ 2 में होंगी।
उसके बाद है दोस्तों, यहाँ है प्रज्ञा सिंह गेट्स बीजेपी टिकट फॉर भोपाल। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि प्रज्ञा सिंह को कहाँ से टिकट मिलेगा। प्रज्ञा सिंह दोस्तों धार्मिक गुरु कह सकते हैं आप। ये दोस्तों जो पूर्व सीएम थे दिग्विजय सिंह, उनके सामने भोपाल से टिकट पे लड़ रही हैं, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर भाजपा ने मुझे इस धर्म युद्ध में उतारा है तो मैं उनके सपनों पे उनके अनुसार ही उतरूंगी। और उन्होंने कई प्रकार से चेताया कि अगर मेरी सरकार आती है बीजेपी की और मैं जीतती हूँ तो दोस्तों देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो अनसुलझे हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे और आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उन पे काम अवश्य होगा। अब कह सकते हैं जो मुद्दा है, मंदिर का मुद्दा है, जो कश्मीर का मुद्दा है, जो कई दशकों से अभी सुलझा नहीं गया है। उसके बाद है दोस्तों, ये बड़े चर्चित है, इसको पढ़िए ध्यान से। जेट सस्पेंड्स ऑल फ्लाइट्स, ऑफशोर बैंक्स रिफ्यूज टू रिलीज फंड्स। जी हाँ दोस्तों, जो भी बैंक हैं 400 करोड़ रुपए देने के लिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, जिस वजह से दोस्तों जितनी भी इनकी फ्लाइटें थीं उनको अनिश्चित काल तक रोक दिया गया है। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी क्राइसिस है, क्योंकि दोस्तों कई दिनों से या फिर कहीं कई महीनों से इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय चल रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों उन अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पा रही थी, और बार बार जो पैसेंजर हैं वो आरोप लगा रहे थे, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर देने के बाद दोस्तों जो डोमेस्टिक उड़ानें भी अब रद्द करने की तैयारी हो गई और कर दी गई है, पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से घाटे में चल रही है और उस घाटे का 1 रुपया तक इसने नहीं दिया। इस वजह से दोस्तों बैंक ने इसे पीछा छुड़ा लिया है और वित्तीय सहायता देने से, अनुदान देने से मना कर दिया है। यह है दोस्तों आपके आप कांग्रेस टॉक्स स्टॉल ओवर हरियाणा लाइंस। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जिस प्रकार से आप पार्टी ने दिल्ली के अंदर कांग्रेस से अलायंस तो कर लिया, गठबंधन कर लिया, अब ये चाहती है कि कुछ राज्यों में, खासकर से हरियाणा जैसे राज्यों में भी हम, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में कांग्रेस की एक अच्छी पकड़ है और आप जो पार्टी है वो कई बार इससे पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति देख ली है कि अकेले के दम पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जैसे आज क्या हो रहा है, सारी पार्टियां गठबंधन होकर सरकारें बना रही राज्यों में, तो ये भी कहीं ना कहीं समझ रही है अगर मुझे आगे जाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, तो एक बड़ी पार्टी से मुझे गठबंधन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यही पार्टी आप थी जो जिसका उदय ही कांग्रेस के विरोध में आया, और आज दोस्तों ये स्थिति है कि जिसके ऊपर बार बार एलिगेशन लगा रही थी कि ये जातिवाद को पैदा करती है, ये करप्शन को उन्माद में ला रही है, फलाना क्या क्या नहीं। याद होगा आपको दोस्तों, जब ये आप पार्टी का गठन हो रहा था किसके ऊपर इसका पूरा ध्यान केंद्रित था, पर आज दोस्तों कई राज्यों में इससे तड़पड़ा रही है कि हमारी अलायंस हो जाए। तो जो पार्टियां कब किसकी तरह चली जाएं दोस्तों कोई नहीं कह सकता, तो इसके बारे में ही है। उसके बाद है दोस्तों योगी विजिट, अमिट को लिख लीजिए दोस्तों। अमिट का मतलब होता है के बीच में, बैन बीएसपी कंप्लेंट्स टू पोल पैनल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है कि कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, 72 घंटों के लिए, क्योंकि कम्युनल हारमोनी एक तरह से टारगेट किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था अगर सपा बसपा के अली हैं तो भाजपा के और हिंदुओं के बजरंग बली हैं। इस वजह से दोस्तों कोर्ट, जो इलेक्शन कमीशन है, उसको फटकार लगाई जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद वो सख्ती के साथ आके कुछ नेताओं के ऊपर, जैसे आजम खान, मायावती हैं के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया कुछ घंटों के लिए। तो दोस्तों बीएसपी का एक कंप्लेन फिर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का इन्होंने अवमानना किया है, इलेक्शन कमीशन के बैन लगाने के बावजूद ये अयोध्या जाते हैं और 500 के समर्थकों के साथ वहाँ पे दलित बस्ती में जाकर अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, और ये एक तरह से गलत है। तो बीएसपी का सीधा सीधा कहना है कि इनका जो कैंडिडेसी है, जो कैंडिडेट है, इनको रद्द कर दिया जाए, इनके ऊपर और भी प्रतिबंध लगाए जाएँ, ऐसा कहना है। फेज़ टू पोज बिगर चैलेंज फॉर एनडीए इन बिहार, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दूसरा फेज
चालू हो गया है, 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। तो एनडीए जो जिसको कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो भाजपा है, कहा जा रहा है कि बिहार में इसके लिए चुनौती वाली बात हो सकती है, क्योंकि वहाँ की जो जितनी भी दोस्तों क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वो सारी कहीं ना कहीं अलायंस कर चुकी हैं, तो इसलिए बहुत समस्या खड़ी हो सकती है इस बार के चुनाव में। उसके बाद है बड़े बड़े चीज़ों पर देखा जाए, जैसा कि ये कहें लालू ऑफर टू पुल डाउन आरजेडी गवर्नमेंट सुशील मोदी। लालू प्रसाद किस तरह कह रहे हैं कि पुल डाउन हमें खींच लीजिए आरजेडी जेडीयू से। भारतीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी अलीज्ड ऑन वेंसडे ऑन आरजेडी लालू प्रसाद हैड मेट यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली विद द ऑफर टू हेल्प ब्रिंग डाउन द ग्रैंड अलायंस गवर्नमेंट इफ फॉर स्कैम। उन्हीं लालू का है, कुछ बयानबाजी है, कोई मतलब नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों उस पर आप विचार विमर्श करिए, और कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो देश से या उस राज्य से जुड़ी हो। ये व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप है दोस्तों, ये कब कौन बदल दे कि कोई नहीं जानता। तो जो स्टेबल हो, जिसमें कुछ दम हो, उसे पढ़िए। जैसे ये बातें हैं, पीपल विल वोट फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के लोगों का कहना है कि दोस्तों इस बार वो उनका चुनाव करेंगे जो शांति और स्थायित्व दार्जिलिंग में दे सके। और इनका सीधे सीधे आरोप है कि पिछली बार ये है दोस्तों विनय तमंग द चेयरपर्सन ऑफ गोखलैंड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इनका सीधे सीधे कहने का मतलब है कि दोस्तों जब भाजपा इतने बड़े बहुमत से जीती और सदन में उसके इतने ज़्यादा प्रत्याशी थे जो चुन के गए थे दोस्तों, फिर भी कोई बदलाव नहीं कर पाई, दार्जिलिंग के लिए कोई बेहतर विकल्प नहीं खोज पाई, जो स्थिति पिछले 30 साल से है, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, जिन बुनियादी चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, उसके बारे में कोई भी पार्टी, यहाँ तक कि भाजपा जो भी कहती थी अपनी मैनिफेस्टो में 2014 में, वही मैनिफेस्टो है 2019 का, कुछ भी बदला नहीं है, खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसे में हम किसको वोट दें समझ नहीं आ रहा है। तो इस बार जो हम वोट देंगे दोस्तों, जो बदलाव और शांति की बात करेगा, जो स्टेबिलिटी की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे, क्योंकि आए दिन दार्जिलिंग के लोगों से चीट किया जा रहा है। कोई भी पार्टी कहती है हम विकास करेंगे, पर दोस्तों विकास के नाम पर ठेंगा दिखा के चली जा रही है। पर इस बार हम जागरूक हो गए हैं, हम अपने मत का प्रयोग वहीं करेंगे जहाँ पर हमें सारी जो हमारे राज्य की, जो हमारे कंस्टिट्यूंसी संसदीय क्षेत्र की जो जो हैं, जो होना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है, हम जब कोई पूरा करेगा तभी होगा। हाई स्टेक्स इन सेकेंड फेज ऑफ पोल इन बंगाल। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से देखिए दुर्गम रास्ते से जाते हुए दूसरे फेज का भी बंगाल में शुरुआत हो गया है। आप ये सोचिए जीतने के बाद ये रोडों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सांसद बनने के बाद दोस्तों कोई यह पता भी नहीं करने जाता है कि नहीं हमारा जो संसदीय क्षेत्र है किन बेसिक बुनियादों से गुजर रहा है। चुनाव कराना होगा तो दोस्तों हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहाड़ियों के बीच में चले जाते हैं, एकदम दुर्गम रास्तों में चले जाते हैं, पैदल 8-8 घंटे चले जाते हैं। पर जब दोस्तों जीतने के बाद जब विकास की बात आती है तो कभी कोई देखने तक नहीं जाता कि वहाँ की बुनियादी ढांचे क्या हैं, वहाँ की समस्याएँ क्या है, वहाँ का जो जन है, लोग हैं, किन किन चीज़ों से पीड़ित हैं, कौन सी बीमारियाँ, किसी को क्या चाहिए, मतलब कोई ना सामाजिक ना आर्थिक ना राजनीतिक जिम्मेदारियों से किस तरह से मोड़ लेते हैं, ये दुर्गम रास्ते आपको बता सकते हैं कि हमारा देश एक ऐसा जहाँ पे खच्चरों से जाया जा रहा है। वो भी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं जो चुनाव करा रहे हैं, वो इनकी ये स्थिति है, तो आम जन का क्या स्थिति होगा। यह दोस्तों कुछ दिन पहले आपको पता होगा उड़ीसा में इलेक्शन कमीशन ने किस जो ऑफिशियल डेलीगेशन वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया है। इसलिए किया गया कि पीएम का जो हेलीकॉप्टर था उसका कम से कम 1-2 घंटे चेकिंग किया गया। तो इस वजह से दोस्तों इलेक्शन कमीशन सख्ती में आई कि इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया था कि आप प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को आप इस तरह चेकिंग करें जिससे दोस्तों वहाँ के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी में एक द्वंद्व हो गया कि नहीं इस प्रकार इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा इस प्रकार की कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई थी, इसलिए उसे हटा दिया गया है।
उसके बाद दोस्तों ये देखिए आप, कांग्रेस एनसीपी अटरली इनकेपेबल ऑफ कीपिंग कंट्री सेफ। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से अमित शाह ने आरोप लगाया है नेशनल पार्टियों पे, जो कांग्रेस है या उनकी अन्य जो अलायंस की पार्टियां, उनके ऊपर सीधा सीधा कहा गया है कि किस प्रकार से हमारे देश को लूट रही थी, किस प्रकार से हमारे देश के जवानों को बदनाम कर रही थी, किस प्रकार से उनके मैनिफेस्टो में ऐसी तमाम तरह की कुरीतियां हैं जो ये सीधे सीधे कह सकती हैं, आपको बता सकती हैं कि अगर उनका सत्ता आता है इस बार तो वो हमारे देश के संसाधनों के साथ, हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी के साथ किस प्रकार की धुंधियाँ खेल सकती हैं, आँख मिचौलियाँ खेल सकती हैं। उन्होंने वो भी निशाना साधा है उमर अब्दुल्ला के ऊपर कि इनके बोल दिल्ली में रहेंगे कुछ और होगा, पश्चिम बंगाल में कुछ और होगा। और इन्होंने जो सबसे बड़ा जो आरोप लगाया है और जो कहा भी गया है अब्दुल्ला के थ्रू, कि उन्होंने अब्दुल्ला ने कहा था कि हमारे राज्य में अलग से प्रधानमंत्री, अलग से प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो दोस्तों सीधा सीधा कहने का मतलब, अमित शाह ने कहा कि हम ऐसा, जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी रहेगी, जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, अभिन्न राज्य है, तो हम अपने से अलग इसे नहीं कर सकते। ये चीज़ें हैं। उसके बाद है दोस्तों, मोदी डिविजिव पॉलिटिक्स। तो दोस्तों डिविजिव का मतलब होता है विभाजक। राहुल गांधी ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि जो मोदी की राजनीति है वो किस प्रकार से किसानों को एंटी नेशनल और निगलेक्ट कर देती है और पॉलिटिक्स में एक विभाजन का काम करती है, यही उन्होंने कहा है। और यहाँ पे उन्होंने देखिए ये कहा है, द मोस्ट एंटी नेशनल थिंग्स दैट यू कैन डू इज़ टू डिवाइड द कंट्री। सबसे बड़ा जो एंटी नेशनल है, मिस्टर गांधी ने कहा है कि आप देश के लोगों को बांट दें। मोस्ट एंटी नेशनल थिंग दैट इज़ डन इन इंडिया टुडे, जो कि आज हमारे देश के अंदर हो रहा है, इज़ टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर 27,000 यंग अस्टर्स आर लूजिंग जॉब्स। 27,000 जो जवान हैं हर 24 घंटे में अपनी जॉब खो रहे हैं। एग्रीकल्चर सिस्टम इंश्योरिंग दैट थाउजेंड्स ऑफ अवर फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड। हज़ारों की संख्या में जो हमारे किसान भाई हैं सुसाइड कर रहे हैं। एंटी नेशनल बिहेवियर, ये एंटी नेशनल बिहेवियर है, टेकिंग 30,000 करोड़ एंड गिविंग इट टू मिस्टर अंबानी, और 30,000 करोड़ रुपये जो है कि मिस्टर अंबानी को दे देना। तो दोस्तों हम ये नहीं कहते कि ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं गलत है, आज समस्याएं हैं। हमारे देश का जो सबसे प्रमुख मुद्दा मैं मानता हूं दोस्तों, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। किसी भी युवा को अगर दोस्तों किसी उसके मन के मुताबिक और उसके एलिजिबिलिटी के मुताबिक, जितना उसके पास क्षमता है, ज्ञान है, उसके हिसाब से अगर उसे जॉब मिलता है दोस्तों, गलत नहीं है। इससे क्या होता है, एक नए समाज का उदय होता है। जो ये यंगस्टर्स के जो दोस्तों आप कह सकते हैं जो ऊर्जा है, अगर देश के हित में लगा दिया जाने तो हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। क्योंकि आज हमारे देश की जो सबसे प्रमुख जो लाभ है दोस्तों, वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं। पर दोस्तों हमारे देश के 75 यंगस्टर ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जो कह सकते हैं जो अपनी ऊर्जा को गलत जगह लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, गवर्नमेंट विहीन हो गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आईटी रेड्स पॉलिटिक्स, आईटी का मतलब हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोटिवेटेड नायडू, कि किस प्रकार से कुछ लोगों जो पॉलिटिकली हैं, जो पॉलिटिशियंस नेताओं के थ्रू किस प्रकार से इन्हें संचालित किया जा रहा है, कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन्हीं के ऊपर बड़े बड़े रेड्स किए जा रहे हैं, छापा मारा जा रहा है। तो इसका जो मुझे स्पष्टीकरण चाहिए, जो नॉन बीजेपी से है, क्यों ना बीजेपी नेताओं के ऊपर भी ऐसा हो, जो गैर बीजेपी है उन्हीं के ऊपर ये आईटी डिपार्टमेंट बार बार जाके तफ्ती तलाशी क्यों कर रही है, इस प्रकार का है। उसके बाद है ये छोटा
छोटे छोटे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए लॉलेसनेस मिस होता है दोस्तों, क्या होता है इसका मतलब, अंग मतलब एक तरह से कर सकते अराजकता जो फैल जाती है समाज में। इन जम्मू कश्मीर मिलिटेंट्स बॉडीज मोटिलेटेड, मोटिलेटेड का मतलब होता है अंग भंग करना। जी हाँ दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी सरकार आती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अनंतनाग से संसदीय सीट के लिए चुनाव लड़ी हैं, तो जो जिस प्रकार की आज हमारे राज्य की जो आवाम है जिस प्रकार से पीड़ित है वहाँ के मिलिटेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं उस चीज़ को बंद कर दूंगी। किस प्रकार से हमारे बच्चे के ऊपर पैलेट गन के थ्रू उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उसको जान से मार दिया जाता है, किस प्रकार से गलत तरीके से लोगों को पकड़ कर प्रताड़ित किया जाता है, उसके ऊपर एंटी नेशनल का केस किया जाता है, हमारी आवाम को किस तरह से भड़काया जा रहा है और जगह जगह पीटा जा रहा है। अगर ये हमारी सरकार आती है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक भी आवाम को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मैं मुफ्ती हूँ इस जम्मू कश्मीर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड वंस हेडेड द ओवर रेचिंग इन्फाइटेड हेड क्वार्टर्स ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज इन द स्टेट। तो दोस्तों उसके बाद एक ये फिगर दिखाना चाहते हैं हम आप सच्चाई। ये देखिए ये फोटो है, एक जनजाति महिला है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, एक औरत देखिए कहीं दूर दराज गांव तक नहीं दिख रहा है, इतनी दूर से ट्यूबवेल लगा हुआ है वहां से पानी लेके जा रही है। अब ये सोचिए कितनी बुरी स्थिति है, जो आप लोग विकास की बात करते हैं, ये चित्र तो देख के ही लगता है कि उड़ीसा जैसा राज्य संसाधनों के मामले में अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों में अग्रिम में आता है पूरे देश में। मतलब इतना संसाधन पूर्ण होने के बाद भी उस राज्य की ये स्थिति है तो बहुत ही शर्म की बात है। इसे देखना चाहिए दोस्तों, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो आप टैग करके फेसबुक से लगा सकते हैं, और जो भी आपके संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें आप बताइए कि आप विकास के नाम पे क्या किए हैं और क्यों वोट हम आपको दें। उसके बाद है दोस्तों लार्जर कॉन्स्पिरेसी इन श्रद्धा स्कैम एलिस्ट, जो श्रद्धा स्कैम किया गया है वहाँ का एक कमिश्नर के द्वारा पश्चिम बंगाल का, उसका सीधा सीधा ये आरोप है कि बीजेपी के दो नेता भी लोग शामिल थे जिनकी वजह से मैंने ये सब काम किया है, ठीक है, इनका ऐसा काम है, इस तरह का आरोप है। हाँ जी दोस्तों, जितने लोग एयरवेज का टिकट लिए हैं वो जाके तुरंत रिफंड कर सकते हैं, और रिफंड होगा क्योंकि अब ये अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी गई है, बंद कर दी गई है। अब आते हैं दोस्तों द लिमिट्स ऑफ पॉपुलरिज्म। तो जैसा कि आपको पता है पॉपुलरिज्म का मतलब होता है लोकप्रियता, ठीक। तो आज के जो समय में इसकी लिमिट्स क्या है, कहने का मतलब है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट टू ऑफर बायोग्राफिकल सॉल्यूशन टू अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। दोस्तों ये सीधा सीधा कहने का मतलब है जो हमारी लोकतंत्र की जो सरकार है एक बार सबको अवसर देती है लोकप्रियता के मामले में। याद होगा आपको दोस्तों जब इंदिरा गांधी आई थी हमारे देश में, उनका भी एक हवा ऐसे ही चला था जैसे सन 2014 में मोदी का लहर चला था, जो लोकप्रियता चली थी वैसे ही 1972 में इनकी लोकप्रियता चली थी गरीबी हटाओ। पूरा विपक्ष कहता था इंदिरा हटाओ। पर दोस्तों जिस प्रकार से हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की आवाम ने उनके विरोध में, जो हमारे विपक्ष के लोग थे जो कहते थे इंदिरा हटाओ, उसके विरोध में जाके उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, क्योंकि दोस्तों उनका जो टारगेट था उस मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों से था जिनके ऊपर उन्होंने स्लोगन बनाया था गरीबी हटाओ देश बचाओ। वहीं विपक्षी पार्टियाँ थी कहती थी इंदिरा हटाओ देश बचाओ, क्योंकि दोस्तों 1975 में कहा जाए तो बहुत तरह की चीज़ें की थी, ऐसा बोला जाता है आपातकाल लगाया गया था, फिर 1984 में तो इनकी लोकप्रियता जब गिर गई, मतलब उस समय इंदिरा गांधी इतने बड़े बहुमत से जीती थी
उनकी लोकप्रियता ही वो थी, फिर उसके बाद उनकी स्थिति डाउन होती चली गई। तो दोस्तों ये हमारा जो देश है सबको लोकप्रियता देता है, उसके बाद किस प्रकार से घटा देता है जब आप उनके अनुरूप नहीं होते हैं। याद होगा आपको 2014 में किस प्रकार से मोदी लहर उठी थी, चारों तरफ मोदी मोदी मोदी, हिंदुत्व छवि सम्राट, हिंदुत्व को आगे ले जाने वाले, मतलब तमाम तरह के बातें हो रही थी और वास्तविकता भी यही थी दोस्तों। मोदी के सामने कोई टिक नहीं पाया, बीजेपी के नाम पे कोई वोट नहीं दिया था। जब ये पता चला कि ये गुजरात जैसे राज्य को मोदी ने कितने आगे बढ़ाए हैं, वहाँ में इंडस्ट्रियल जो क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया है, वहाँ के लोगों में मध्यम वर्ग की, चाहे किसान हो चाहे बिजनेसमैन हो, सबको उसके अनुसार उसने योजनाएँ दी हैं, तो दोस्तों उनका जो पॉपुलरिज्म था इतना बढ़ गया। पर दोस्तों अगर आज की स्थिति देखा जाए तो आज की स्थिति उस तरह की नहीं है। तो ये भी कहा जाता है, इसमें सीधे सीधा कहा गया है कि हमारे जो देश की आवाम है वो सबको देती है लोकप्रियता, और उस लोकप्रियता की दोस्तों लिमिट होती है। जब आप कहते थे कि 5 साल में हम देश की दिशा और दशा बदल देंगे, देश को उस शीर्ष पे ले जाके खड़ा कर देंगे कि आप लोग गर्व करेंगे, पर मेरा मानना है दोस्तों आप भी महसूस करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार नहीं हुआ है। जो गरीबों की स्थिति पहले थी आज भी वही है। गरीब जो है दोस्तों बिचौलियों से पीड़ित है, और जो बिचौड़िए हैं उनके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया जिनसे वो डरें और किसानों का शोषण ना करें। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे दिया क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो दोस्तों क्राइसिस का मतलब होता है संकट काल, और क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता का जो संकट काल है, कहने का मतलब ये है दोस्तों जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार तमाम तरह के वो लगाए जा रहे थे कि इसकी विश्वसनीयता पर हमें शक होता है, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकली ग्राउंड के थ्रू संचालित हो रही है। तो दोस्तों पर कुछ दिन पहले जैसे ही इसने तमाम तरह की जो पार्टियां थी उसके ऊपर, जिसने कम्युनल हारमोनी का बिगाड़ने का कोशिश किया, जिसने कास्ट से रिलेटेड राजनीति करने की कोशिश की, जिस प्रकार से उसके ऊपर एक तरह से प्रतिबंध बैन लगाया, तो दोस्तों इससे क्या है, हाँ मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। तो इसी बारे में ये सब दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों आप इसका अध्ययन करने के बाद कम से कम पंद्रह मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बैठ के विचार मंथन करिए और पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।